हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है जगदीप ब्राड, स्वागत है आप सभी का। सो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर से हम एक नई बुक को स्टार्ट करने वाले हैं, जो है आपकी क्लास टेंथ इंग्लिश की सेकंड बुक, यानी कि वो सप्लीमेंट्री बुक, डैट इज़ योर फर्स्ट फ्लाइट। फर्स्ट फ्लाइट तो हमने कर ली कम्प्लीट, डैट इज़ योर फुटप्रिंट विदाउट फीट। अब हम इस पूरी बुक को कम्प्लीट करेंगे, तो आज हम उसके फर्स्ट चैप्टर को कवर करने वाले हैं इस पूरे वीडियो लेक्चर में। और उस फर्स्ट चैप्टर का क्या नाम है, दैट इज अ ट्रायंप ऑफ सर्जरी। देखिए मैं कलर ले लूँ ढंग का, अ ट्रायंप ऑफ सर्जरी इस पूरी पूरे चैप्टर का जो है नेम है, अ ट्रायंप ऑफ सर्जरी। और बुक आपकी किस टाइप की दिखती है, बुक आपकी दिखती है कुछ इस टाइप की, तो अगर आपको परचेज करनी है बुक तो आप इस टाइप की जो है ले सकते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। और मैंने क्लास टेंथ इंग्लिश की फर्स्ट फ्लाइट पूरी बुक को कंप्लीट करवा चुका है, मैं करवा दिया है। नहीं देखी है पूरी, मतलब बुक भी नहीं देखी, यानी कि कोई चैप्टर आपका अभी छूट चुका है, जैसे कि कोई पोएम, तो वो पूरी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहाँ से जाइए और उसे चेकआउट कर लो और अपना जो है वीडियो को बनाना, मतलब पढ़ना स्टार्ट कर लो, ताकि आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने वाले। तो इस वीडियो में हम उसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि आखिरकार इस चैप्टर में हो क्या रहा है, तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये बुक आपको मैं कह सकता हूँ ये सप्लीमेंट्री बुक है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर आपकी स्टोरीज ही आएंगी, मोस्टली मुझे सारी ही स्टोरीज हैं, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहले एक ट्रायंप ऑफ सर्जरी का मतलब समझते हैं। एट ट्रायंप ऑफ सर्जरी, यानी कि ट्रायंप मतलब किसी भी चीज़ पे विजय पाना, यानी कि सर्जरी के ऊपर जीत पाने को आप कह सकते हैं अ ट्रायंप ऑफ सर्जरी। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो मेरे मैं फिर से कह रहा हूँ, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और ये मेरे चैनल का जो है लोगो है। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको करेक्टर्स के स्केच के बारे में जानना है। तो फर्स्ट इसमें करेक्टर स्केच क्या है आपका, जेम्स हैरियट। सबसे फर्स्ट करेक्टर है जेम्स हैरियट, ठीक है। इसको मैं हाइलाइटर से येलो कलर ले लेते हैं, हम उसे हाईलाइट कर लेंगे। जेम्स हैरियट आपके इसके फर्स्ट कैरेक्टर का नेम है। अब जेम्स क्या है, तो उसके लिए मैं पेन ले लूँ। जेम्स एक वेटनरी सर्जन है, एक वेटनरी सर्जन है जेम्स, ठीक है भाई। एक वेटनरी सर्जन से आप क्या समझते हैं, वेटनरी सर्जन यानी कि वो एक, मतलब आप कह सकते हो एनिमल्स का डॉक्टर है, ठीक है। ही हु प्रूव्स टू बी कैपेबल डॉक्टर एंड वाइज एंड वेल। उसने क्या प्रूव किया स्टोरी में, कि वो एक डॉक्टर तो है ही है, साथ में एक बुद्धिमान व्यक्ति है, यानी कि एक बुद्धिमान व्यक्ति है। ही इज़ एन एनिमल एंड केयरिंग गार्जियन। वो एनिमल लवर भी है और गार्जियन भी है, केयरिंग वाला, ठीक है, केयरिंग गार्जियन भी है। उसके बाद आ जाते हैं आपकी सेकेंड डैड इज मिसिस पंपरे। अब मिसिस पंपरे भी स्टोरी की मेन कैरेक्टर हैं, ठीक है। मिसिस पंपरे इज़ अ वेल्थी सिंगल वूमन। जो मिसिस पंपरे है वो बहुत अमीर वूमन है। शी इज़ वेरी मच अटैच टू हर डॉग ट्रिकी। वो अपने डॉग से बहुत ज़्यादा अटैच है, वो अपने डॉग से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, जिनका नाम है ट्रिकी। शी इज़ अ वेरी लविंग बट वीक एट हार्ट। वो उसे बहुत प्यार करती है, लेकिन वो दिल से कमज़ोर है, इनका जो दिल है वो इतना चीज़ें, मैंने उनके डॉग अगर दूर कर दिया जाए तो वो नहीं सहन कर पाएंगी। ट्रिकी इज़ अ लेजी एंड फैट डॉग हु लव फूड। अब ट्रिकी की इसमें उसने वो खासियत बताई है कि आखिरकार ट्रिकी क्या है। तो ट्रिकी आपने देख लिया क्या है, तो कुछ सही करते हैं। तो ट्रिकी एक लेज़ी, आलसी और मोटा डॉग है, जो कि लव्स जो फूड को मतलब उसे फूड ज़्यादा पसंद है। शी वॉज़ वेरी फॉन्ड ऑफ हिज ऑनर, यानी कि उसे फूड तो पसंद ही पसंद है, वो लालची भी बहुत है, और उसकी ऑनर है जो उसे इतना कुछ देती है, ठीक है। उसकी ऑनर कौन है, मिसिस पंपरे, जो उसे इतना कुछ देती है। तो अब ये बात आपको कैरेक्टर्स के स्केचेस के बारे में समझ आ गया है, तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं इस ओवरव्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर। तो ये जो स्टोरी है ये आपको मैं बता दूँ, एक कुत्ते की है, कि जो क्या हो जाता है बहुत मोटा हो जाता है, और जिसके जिसे सर्जरी के दौरान लिया जाया जाता है। अब उसकी सर्जरी कैसे होती है वो पर्टिकुलर स्टोरी में हम पढ़ने वाले हैं। तो क्या होता है, एक बार क्या होता है, हैरियट हॉल टू इंक्वायर अबाउट ट्रिकी। इट वॉज वैन हैरियट वॉज ड्राइविंग में ही सा मिस्टर पंपरे वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट। यानी कि जो हैरियट है वो एक बारी क्या कर रहे थे, ड्राइव कर रहे थे, तो उन्होंने क्या देखा कि जो मिसिस पंपरे हैं और ट्रिकी, वो स्ट्रीट पे क्या कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, यानी कि वहाँ पर वॉकिंग कर रहे हैं। ही स्टॉप्ड द कार टू सी हाउ ट्रिकी वॉज डूइंग। तो वो उन्होंने अपनी कार रोक ली देखने ली क्या ट्रिकी क्या कर रहा है, यानी कि वो एक ट्रिकी के सर्जन है आप कह सकते हो। ही वॉज शॉक टू सी डैट ही हैड बिकम लाइक अ सॉसेज एंड लैकिंग एनर्जी। यानी कि वो बहुत मोटा हो गया था, बिकम फैट, यानी कि वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था और एक सॉसेज की तरह लग रहा था, और उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं थी, क्योंकि अब मोटा हो गया था, इतनी एनर्जी नहीं थी। तो हाइलाइटर से ही हम कर लेते हैं इसको काम ज़रा, मुझे हाइलाइटर बहुत पसंद है आपसे, तो हाइलाइटर मेरा फेवरेट कलर है ब्लू, तो ब्लू से चलते हैं।
ठीक है, उसने बहुत देखा। आफ्टर इंक्वायरिंग फ्रॉम मिसेस पंपरे अबाउट ट्रिकी कंडीशन ही एडवाइज टू हिम टू इमीडिएटली स्टॉप गिविंग द एक्स्ट्रा स्नैक्स बिटवीन मील। तो उससे मिसेस पंपरे के उनके साथ पूछताछ करने के बाद उन्होंने मतलब वो से इंट्रोडक्ट, तो तभी उन्होंने ना अपना इंट्रोडक्शन खुद ही दे दिया कि मेरा नाम है मिसेस पंपरे, ठीक है, मैं इसकी ऑनर हूँ और ये मेरा प्यारा सा डॉग है। तो उसके बाद इंक्वायरी उनसे आपसी बात करने के बाद उन्होंने एडवाइस की कि आप ट्रिकी को जो है एक्स्ट्रा फूड ना दीजिए, यानी कि आप ट्रिकी को ज़्यादा फूड ना दीजिए। कब की बिटवीन मील्स, यानी कि मील्स यानी कि आप ब्रेकफास्ट और उसे लंच और डिनर तो दे ही दें, लेकिन उनके बीच में यानी कि लंच और डिनर के बीच में पल आप कह सकते हो 4-5 PM पे, लेकिन उनके बीच में आप उसे स्नैक्स ना दें, नहीं तो वो बहुत मोटा हो चुका है। उसके बाद ही आल्सो वांटेड टू मेक हिम, वो भी चाहती थी कि जो ट्रिकी है वो मतलब ही आल्सो वांट टू हर टू मेक एक्सरसाइज डेली अलॉन्ग विद अ स्ट्रिक्ट डाइट टू इम्प्रूव। वो भी चाहती थी कि जो ट्रिकी है उसे मैं डेली वॉक पे ले जा सकूं, ताकि वो क्या हो जाए, मतलब मैं ट्रिकी को डेली वॉक पे ले जा सकूं, जिससे जो ट्रिकी है उसकी हेल्थ में क्या आ जाए, वो एक्सरसाइज करे तो उसकी हेल्थ जो है अच्छी हो जाए। मिसेज पंपरे कन्फेस्ट डैट इट वॉज अ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हर्स टू डू बट शी एग्रीड अ ट्राई अ वॉकड। तो अब वो क्या कहती हैं कि वो उनके लिए बहुत ज़्यादा कठिन है, उन्होंने कह दिया कि ये मेरे लिए बहुत कठिन है अभी करने के लिए, मैं कोशिश करती हूँ, मैं एक बारी कोशिश करके देखूँगी, मैं ट्राई करूँगी, बट मुझसे ये होगा नहीं क्योंकि मुझे अपने डॉग से बहुत, अब ये क्यों नहीं होगा क्योंकि उन्हें अपने डॉग से बहुत ज़्यादा प्यार था, ठीक है। सो वो फिर वो बात कह के वो वहाँ से चली जाती है। तो ये चीज़ आपने देखी इसमें। नेक्स्ट पर्टिकुलर हैरी, अब हैरियट को, अब उसने तो कह दिया था कि आप इसे इमीडिएटली कम बंद कर दो नहीं तो इसे हॉस्पिटल, अब उसे पता था कि हैरियट को, उसके बाद हैरियट को पता था कि एक या दो दिन को मुझे कॉल आया ले, क्योंकि जो ट्रिकी है वो बीमार हो गया है, तो वो उसकी जो उसने कहा था वो अब आ चुका है। कैसे, मिसेस पंपरे कॉल जेम्स हैरियट, मिसेस पंपरे ने जेम्स हैरियट को कॉल किया द वेट इन हेस्ट ही ट्रिकी हैज़ टू रिफ्यूज टू, और उनसे कॉल के कहा कि जो ट्रिकी है वो खाने को मना कर रहा है। हर कॉन्सर्न ग्रू इवन मोर वेन ही हैड बॉड्स ऑफ वेटिंग, अब उसे उल्टियाँ हो रही हैं। जेम्स ड्रॉप टू मिसिज पंपरे हाउस विथ अ फेम माइंडसेट। अब इसके बीच में ये तो सीधी लाइन आपको दे रही है, इसके बीच में आपको स्टोरी ज़रा समझा दूँ कि उन्होंने मिसिज पंपरे ने क्या किया, जेम्स हैरियट को कॉल किया, जेम्स हैरियट को कहा कि जो ट्रिकी है वो अपने खाने को मना कर रहा है, किसी भी चीज़ में मतलब अपनी उत्सुकता को नहीं दिखा रहा है, ठीक है, और बहुत उसे वॉमिटिंग हो रही है, लेजी एक जगह पर बैठा है। तो ये चीज़ उन्होंने बताई, तो उन्होंने सभी सोचा कि वो क्या करेंगे ट्रिकी को अपने पास, तो उन्होंने सोचा कि ऐसा क्यों ना किया जाए, अगर इस ट्रिकी को इस घर से दूर दे कर दिया जाए तो ये शायद उसकी हेल्थ में इम्प्रूविंग हो सकती है। तो जेम्स ड्रॉप टू मिसेस पंपरे हाउस विद अ फेम डैट ओनली वे टू क्यूर ट्रिकी वाज टू गेट आउट ऑफ, तो वो एक फेम माइंडसेट के उसके घर पे गए कि वो ट्रिकी को लेके आएंगे और मतलब उन्हें उसे घर से दूर कर देंगे ताकि उसकी हेल्थ में इंप्रूविंग हो सके। ही सजेस्टेड टू मिसेस पंपरे टू हॉस्पिटल हिम अ फॉर्टनाइट फॉर ऑब्जर्वेशन टू द प्रॉपर ट्रीटमेंट, उन्होंने कहा कि आप इसे हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज करवा दीजिए इसे, यानी कि उसमें एडमिट करवा दीजिए ताकि जो इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो की जा सके। उन्होंने इसे ये सजेस्ट किया मिसेस पंपरे को। अलॉट इट ब्रॉक मिसेस पंपरे हार्ट, तो इसने क्या किया मिसेस पंपरे का दिल तोड़ दिया, क्योंकि उन्हें अपनी ट्रिकी से बहुत ज़्यादा प्यार था, ठीक है, अब उनका दिल टूट गया तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। शी अलॉट जेम्स टू टेक ट्रिकी अलॉन्ग विथ हिम टू सर्जरी, उन्होंने अपने दिल पे कैसे ना कैसे उसे दबाकर ट्रिकी उन्हें कह दिया कि आप ट्रिकी को ले जा सकते हैं। ऑल द हाउस हेल्पर्स स्टार्टेड टू गेट टूगेदर द ब्लैंकेट रग बाउल कोट्स एक्सेट्रा दे थॉट दैट ट्रिकी माइट नीड ड्यूरिंग दिस हॉस्पिटलाइजेशन, तो उसके जो घर के हेल्पर्स थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अमीर थे, घर में हेल्पर्स तो होंगी, तो उन्होंने क्या किया इकट्ठे कर ब्लैंकेट्स हो गए उसके, बॉल्स होगी, कोट्स होगी, रग्स हो गए, उन्हें मतलब इकट्ठा करना गैदर करना स्टार्ट कर दिया। और सोचा क्यों गैदर करना स्टार्ट किया, उन्हें लगता था कि ये ट्रिकी को ज़रूरत होगी, जब वह हॉस्पिटलाइज होगा तो इनमें इन्हें इस चीज़ों की ज़रूरत होगी। आप देख सकते हैं उससे कितना प्यार होता था, जैसे कि रग्स, फाउल्स, कोट, तो उसे इतना प्यार था। जेम्स स्टार्टेड टू ड्राइव ऑफ हैज ही नो डैट कार कुड नॉट कैरी सो मैनी थिंग, तो जेम्स ने अब जेम वहाँ से चले क्योंकि वो जानते थे अब कार ज़्यादा चीज़ों को नहीं ले जा सकती। ऑल डैट मिसेज पंपरे मैनेज टू पुट वर अ फ्यू ऑफ कॉर्ड्स, तो मिसेज पंपरे ने कैसे ना कैसे उसके कुछ कॉर्ड्स ट्रिकी के उसमें डाल दिए। ट्रिकी लेफ्ट फॉर द हॉस्पिटल लिविंग हिज केयर टेकर बिहाइंड इन डेयर, अब ट्रिकी वहाँ से चले गए, उसे मिसेज जेम्स हैरियट लेके चले गए और बाद में क्या हुआ उसके हेल्पर्स, ठीक है, केयर टेकर्स क्या होने लगे, रोने लगे क्योंकि उन्हें भी बहुत प्यार था ट्रिकी से, ठीक है। मुझे लगता है अब आपको समझ आ गया होगा, ठीक है, तो ये मैं रेज कर दूँ।
नेक्स्ट ट्रिकी स्टे एंड रिकवरी एट हॉस्पिटल, ये आपकी बुक में नहीं है बट मैंने इसको छोटे छोटे समराइज में इसे डिवाइड, क्योंकि ये चैप्टर बहुत लेंथी हो जाएगा, हमें समरी ही तो जाननी है। तो ट्रिकी अब वहाँ कहाँ रहा, ट्रिकी आप देख सकते हैं ट्रिकी, अब ट्रिकी वहाँ पर रहा और उसकी रिकवरी हुई हॉस्पिटल पे, वो कैसे, तो वहाँ से चला गया। तो ट्रिकी क्या हुआ, उसे फर्स्ट दिन जेम्स उसे हॉस्पिटल नहीं लेके गए, ठीक है, वो उसे अपने साथ कहीं लेके गए। देखिए ट्रिकी ले इमोशनलेस ऑन द बेड दैट द वेट मेड हिम ऑन फर्स्ट डे, तो ट्रिकी जो है बेड पे इमोशनलेस हो गया, ठीक है, इमोशनलेस हो गया जो कि वेट ने बनाया था उसके पहले दिन के लिए। ही वाज पुट ऑन अ वाटर डाइट ऑलमोस्ट टू डेज, तो उन्होंने जो ट्रिक मतलब जो जेम्स रेट थे उसने से कुछ नहीं दिया दो दिन के लिए, सिर्फ पानी ही दिया। इवन द हाउस होल्ड डॉग्स डिड नॉट ब्रदर हिम एज ही सीम्ड अंडर अन इंटरेस्टेड इन एनीथिंग, तो जिसके घर के कुत्ते थे उसे कुत्ते की जगह जहाँ पर बहुत सारे कुत्ते थे उसे वहाँ पर ले गया, उसे दो दिन के लिए पानी दिया। वैसे आपकी थ्री डेज आएगा यहाँ पर बट यहाँ पर दो है तो हम दो के चलेंगे, तो दो या तीन दिन के लिए आप कह सकते उसे पानी दिया, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, और वो उनके साथ बॉदर नहीं हो पाए, यानी कि उनके साथ एक साथ नहीं हो पाए, उनसे फ्रेंडशिप नहीं कर पाया, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि ये अनइंटरेस्टेड है किसी भी, क्योंकि वो किसी भी चीज़ में अनइंटरेस्टेड था क्योंकि अब वो मोशनलेस था। आफ्टर टू डेज ही स्टार्टेड रिस्पॉन्सिंग अ बाइट, कुछ दिनों के बाद दो दिन के बाद क्या हुआ, वो थोड़ा रिस्पॉन्सिंग करने लगा एक बाइट को। ऑन द फ्लॉविंग डे ही विम्पर्ड ट्रॉटेड एंड जॉइन द हाउंड इन अ ग्राइंड, तो उन्होंने क्या किया विम्पर्ड हुआ उसने ज्वाइन कर लिया गार्डन को, हाउंड को गार्डन में। लेटर ऑन थर्ड डे ही रैन विथ एंजॉयमेंट व्हेन द फूड वाज सर्व्ड, तो वो बहुत खुशी से भागा जब तीसरे दिन फूड को सर्व किया गया, तो वो बहुत ज़्यादा खुशी से भागा। ही आल्सो गल्प डाउन द एक्स्ट्रा फूड दैट वाज पुट आउट फॉर हिम, उसने वो एक्स्ट्रा फूड भी खा लिया जो कि क्या था उसके लिए मतलब डाला गया था। हिज रिकवरी वाज स्पीडिंग अप, उसकी रिकवरी जल्दी हो रही थी। ही हैड स्टार्टेड रनिंग ऑल डे अलॉन्ग, वो डेली मतलब ज़्यादा दिन भागता था। एंड फाउंड जॉय इन बिंग बोल्ड ओवर एंड स्क्वैश, और बहुत ज़्यादा मज़ा आनंद उठाता था। इन स्पाइट ऑफ बिंग ऑफ हाई मेंटेनेंस डॉग ही हैड फिटेड इन विल विथ अ गैंग ऑफ शैबी एंड अनकैप्ड वंस, तो जो दूसरे कुत्ते थे उसने क्या किया ट्रिकी ने उनके साथ क्या बना ली एक गैंग बना ली, यानी कि उनकी जो भी थी गैंग उसे ज्वाइन कर लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका मिसिज पंपरे कंसर्न। अब मिसिज पंपरे का कंसर्न क्या था देखते हैं। मिसेज पंपरे यूज टू फोन द वेट क्लीनिंग सेवरल टाइम्स इन, वो एक दिन में काफ़ी ज़्यादा बार जो है वेट क्लीनिंग में फ़ोन करती थी। शी वाज कीन टू रिकॉर्ड हिज रिकवरी एंड मेंटेनेंस एश, क्योंकि उन्हें चाहिए था कि अब ट्रिकी कैसा है, वो दिन में दो से तीन बार अब कैसे होते ज़्यादा फ़ोन करती थी और पूछती कि अब ट्रिकी कैसा है, उसकी रिकवरी कैसे है। जेम्स ब्रश हवे आर क्वेश्चन अबाउट ट्रिकी ड्रेसिंग अकॉर्डिंग टू द वेदर बट ही डिड नॉट फील टू श्योर दैट ट्रिकी वाज आउट ऑफ डेंजर, ठीक है, लेकिन वो उसे बताना नहीं चाहते थे कि ट्रिकी अभी मतलब डेंजर से तो बाहर हो गया लेकिन अभी वो पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था, तो वो उसे नहीं बताना, वो किसी न किसी तरह उसके क्वेश्चंस को जो है टाल देते थे। अपॉन लर्निंग अबाउट ट्रिकी इंप्रूविंग हेल्थ मिसेज पंपरे स्टार्टेड सेंडिंग एडिशनल फूड आइटम्स, अब फ़ोन करती थी तो इतना एक दिन जो है हमारे जेम्स सरेट उसने उसे बता दिया कि जो ट्रिकी अब डेंजर से बाहर है, तो उन वो अब जैसे जैसे ट्रिकी की हेल्थ इंप्रूविंग होने लगी थी ना मिसिज पंपरे के करने लगी उसे ज़्यादा फूड देने लगी, ठीक है, अब वो फिर मोटा आ जाएगा तो अब उसे फिर ज़्यादा फूड देने लगी। वाइन एंड ब्रांडी, तो एडिशनल वाइन और ब्रांडी बेचती थी ट्रिकी के लिए। अलाउ दिस वाज नॉट रिक्वायर्ड, लेकिन ये उसे नहीं चाहिए थी। सो द वेट एंड स्पार्टन कंज्यूम दिस एडिशनल आइटम देम सेल्फ, तो ये ना जो जेम्स हेड थे उसे नहीं देते थे बल्कि ये खुद खा लेते खुद ब्रांडी और अपने पार्टनर्स को उसके साथ ये इन्जॉय करते थे, यानी कि वो जो चीज़ें ट्रिकी के लिए आती थी वो खुद खाती थी। और यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूँ कि जो है हमारी मिसेज पंपरे वो क्या करती थी ट्रिकी को क्रीम केक्स चॉकलेट्स बहुत कुछ खाने को देती थी जो उसे चाहिए होता था, अब ठीक है, यानी कि उसे बहुत कुछ खाने के लिए देती थी ट्रिकी अलग अलग जैसे क्रीम केक हो गए चॉकलेट, और उसके पास सेवरल टाइप्स ऑफ बाउल थी, डिनर बाउल अलग लंच बाउल अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्स थे अलग अलग वेदर के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा उसे पैम्पर्ड भी किया जाता था। तो यहाँ पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ट्रिकी को कैसे पैम्पर्ड किया जाता था यानी कि उसे कैसे प्यार किया जाता था, तो आप लिखेंगे क्योंकि उसके पास बहुत सारी बॉल्स थी अलग अलग डे एक लंच के लिए एक और कोर्स भी थे, वेदर जैसा वेदर होता था वह वैसा पहनता था, और उसे बहुत ज़्यादा खवाद उसकी मालकिन जो है क्रीम केक चॉकलेट्स वगैरह उसे देती थी। तो ये आप लिख सकते हैं कि जो ट्रिकी है वो बहुत ज़्यादा, अब इसमें मैं आपको बता दूं इसमें अभी तक किसकी गलती है हमारे ट्रिकी, क्योंकि उसने कभी खाने को मना नहीं किया था, अगर वो मना करता तो आज उसकी ये हालत ना होती। अब ट्रिकी की कलेक्शन क्लियर टाइम, आफ्टर टू वीक्स जेम्स कॉल्ड अप
जेम्स कॉल्ड अप मिसिस पंपरे टू इन्फॉर्म डैट ट्रिकी वाज फिट एंड कुड गो होम। दो वीक्स के बाद जेम्स ने कॉल किया मिसिस पंपरे को कि ट्रिकी जो है कॉल किया उन्हें इन्फॉर्म करने के लिए कि जो ट्रिकी है वो अब फिट है और वो घर जा सकता है। मिसिस पंपरे रीच द सर्जरी विद इन आवर। मिसिस पंपरे आधे घंटे के अंदर अंदर आ गई क्योंकि वो अपने डॉग से इतने दूर नहीं रह सकती थी। वाइल द चैफलर हेल्ड द डोर ओपन, जब चैफलर हुआ तो डोर ओपन हुआ, शी इंक्वायर्ड अबाउट ट्रिकी एक्चुअल कंडीशन, तो उन्हें ट्रिकी की जो एक्चुअल कंडीशन है उसके बारे में पता चला। शी वॉज कंटर्न अबाउट हिज वेल बींग एंड वॉन्टेड टू बी श्योर अबाउट इट, तो उन्होंने कहा कि ये जो है अब सही हो चुका है। जेम्स फाउंड ट्रिकी प्लेइंग विथ अ पैक, जो जेम्स था, जेम्स ने देखा कि जो ट्रिकी है वो कुत्तों के झुंड के साथ खेलता था, ठीक है। ही हैड बिकम हेल्थी एंड स्ट्रॉन्ग इन हिज टू वीक, दो वीक के लिए वहाँ पे रहा था और वो हेल्थी और स्ट्रॉन्ग बन गया था। एज अ जेम्स कैरी ट्रिकी आउट टू हिज मिस्ट्रेस, ही जंप ऑफ हिज आर्म्स एंड लैंडेड हिज मिस्ट्रेस लैप, यानी कि एज जेम्स कैरीड आउट टू हिज मिस्ट्रेस, जेम्स ने जैसे ही उसे मिस्ट्रेस के पास ला के दिया, ही जंप टॉप हिज आर्म्स, तो वो उसने अपने आर्म्स के ऊपर उसे उठा लिया और लैंडेड कराया मिस्ट्रेस लैब में। शी वॉज अ वेरी हैप्पी एट फाइंडिंग, वो बहुत ज़्यादा खुश थी जो हमारी मिसेज पंपरी थी उसे मिलने पर। ट्रिकी एज एक्साइटेड, ट्रिकी भी इतना ही एक्साइटेड था। ही लिक्ड हर फेस एंड वैग्ड हिज टेल, वो अपनी पूंछ को हिलाता था और वो लिक करता था, यानी कि ये कुत्तों का साउंड होता है। द चैफर एंड द वेट सेटल द डॉग स्टफ इन द कार व्हाइल मिसेज पंपरी थैंक द वेट फॉर ट्रायंफ ऑफ सर्जरी, तो उसके बाद क्या हुआ, जो चैफर था और वेट था उन्होंने क्या किया, जो कुत्ते का सामान था उसे क्या कर दिया, उसे क्या कर दिया, मिसिस पंपरे ने उन्हें उसकी कार में रखवा दिया और मिसिस पंपरे ने थैंक किया कि ये जेम्स हैरियट को ट्राइंग फॉर सर्जरी की सर्जरी के ऊपर जीत पाने के लिए, ठीक है। तो यहीं पर ये चैप्टर होता है ख़त्म। एक बार समराइज कर लेते हैं आपकी माने तो, सो हमने देखा स्टोरी में क्या हुआ कि जैसे जैसे क्या हुआ, पहले क्या होता था, मिसिस पंपरे जो है एक बहुत ज़्यादा अपने डॉग को प्यार करती हैं, उसे अलग अलग टाइप्स के लिए खाने के लिए देती थी। तो जब उन्होंने मिसिस जो हमारे जेम्स हैरियट थे उन्होंने देखा कि जो ट्रिकी है वो इतना एक एज अ सॉसेज पैकेज की तरह इतना मोटा हो गया है, तो उन्होंने उसे कहा, तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, मेरा नाम है मिसिस पंपरे, ये मेरा डॉग है जो कि बहुत ज़्यादा मोटा हो गया। और वो कहती, वो उससे जैसे ही बातचीत हुई उन्होंने बताया कि जो है मैं इसे बहुत ज़्यादा खाना इसलिए देती थी क्योंकि ये मुझे लगता था ये इसे माल न्यूट्रिशन आ जाए, यानी कि वो कुपोषित ना हो जाए। तो ये चीज़ें उसके बारे में पता चली। उसके बाद क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद उसके पास फ़ोन आया, कॉल आया कि आप अब ट्रिकी जो है रिफ्यूज़ कर रहा है खाने को, मना करने में। तो उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने कार में उठाया और उसे वाइन और मतलब अपने पास ले गए, दो दिन तक उसे पानी दिया बिना पानी के खाने के ट्रीट के। कुछ दिनों के बाद वो अपनी जो है आप कह सकते हो उत्सुकता दिखाने लगा, जागृत होने लगा कि अपने किसी भी चीज़ हर एक चीज़ में वो बहुत ज़्यादा भागता था और बहुत इन्जॉय करता था। और बीच में तो जब उन्हें मिसेज पंपरे को उसकी एक्चुअल कंडीशन के बारे में, तो उसे एक्स्ट्रा एडिशनल फूड भेजने लगी। और जो हमारे थे, कौन थे हमारे, जेम्स हैरियट, उन्होंने वो उसे जो भी वाइन और ब्रांडी होते थे उसे इन्जॉय करते थे अपने पार्टनर्स के साथ। और जब उन्हें पकड़ा रहे थे वो, जब उन्हें कॉल किया कि जो आप ट्रिकी है वो एकदम अच्छा है, आप इसे घर ले जा सकती हैं, तो वो उसे तब देखने, तो वो सोचते काश मैं ट्रिकी को थोड़ा देर और रख लेता, ये मैं बात आपको बताना भूल गया कि काश मैं थोड़ा देर इसे और रख लेता तो जो वाइन और ब्रांडी है मुझे बहुत ज़्यादा मज़े आते थे और हम इसे और ज़्यादा इन्जॉय करते एग्स के साथ। तो वो फिर वो मिसिस पंपरे के कंडीशन के बारे में सोचता है कि ये भी अपने डॉग से कितना ज़्यादा प्यार करती है। देन फिर वो उसे पकड़ा देते हैं और वो उसे थैंक करती है कि थैंक यू फॉर द ट्रायंफ ऑफ सर्जरी, यानी कि इस सर्जरी पे जीत पाने के लिए अब उन्होंने क्या कर दिया, ट्रिकी बहुत ज़्यादा सही हो गया था। तो अब इसी के साथ ये चैप्टर होता है यहीं पर ख़त्म। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को क्या मत शेयर करना मत भूलना, क्योंकि अभी हमारे इस बुक के और भी कई ज़्यादा पार्ट्स, यानी कि अभी 9 चैप्टर्स इस बुक के लेफ्ट हैं, प्लस अभी हमारा सिलेबस पड़ा है। तो अब इसे शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी वॉच कर पाएँ, ठीक है। तो अब वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब तो अब आप कर ही दोगे, शेयर भी करोगे। तो मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।